देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। यसुदीन साहब, आज जिस तरीके से गुजरात टुडे ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया था और उसको लेकर जो कानून मोदी सरकार लेकर आ रही थी, जेपीसी के पास में भेज दिया गया है, लेकिन इसी बीच गुजरात सरकार ने कई ऐसे फैसले ले लिए हैं जो मान्य नहीं होने चाहिए वक्फ बोर्ड को, उसको लेकर आज एक खास कार्यक्रम रखा गया था। क्या कहेंगे आप, इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहा? ये कार्यक्रम जिस तरीके से जो वक्फ के बारे में जो बिल लेकर के पार्लियामेंट में आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो उस बिल को जेपीसी के समक्ष भेजा गया है, तो उसके लिए समाज के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए वो बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर उसके उन मुद्दों को उजागर करने के लिए आज मीटिंग को रखा गया था। और यहाँ पर जो उकला हजरात बैठ मौजूद हैं, वो भी जो आज यहाँ से जब लोगों का राय मशवरा होगा, लोग अपने अपने ओपिनियन रखेंगे, डिबेट होगी, और उस बात को लेकर के जो मामला बनेगा, जो उसका लब लुबाब है, उसको जीपीसी के समक्ष भी पहुँचाने की कोशिश होगी। और जैसे आपको पता है कि मैंने भी सजेशन रखा कि यहाँ पर आज जो कुछ भी डिस्कशन होती है उसके तमाम डिस्कशन के जो नोट्स हैं वो खड़ाव के स्वरूप में 26 जो MP हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में है और 14 हमारे जो है वो राज्यसभा में, 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास आज जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारी डिमांड है कि किस तरीके से वक्फ को बचाया जाए और इस बिल के सामने जो मसले पैदा हुए हैं तो उसको किस तरीके उसका मुकाबला किया जाए, इस बातों को लेकर के वो हमारी बात वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। और ये बात कांग्रेस सहित जितने भी इंडिया गठबंधन के जो दीगर लीडर्स हैं उनके तक भी हमारी बात को पहुंचाते हुए इसका पुरजोश मामले में इसका मुखालफत हो और ये बिल किसी भी कीमत पे ये बिल पास ना हो पाए, क्योंकि ये एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो मुस्लिम पर्सनल वॉर के लोग हैं और जो दीगर जो तंजीम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की, एक मेहनत की, उन लोगों ने नीतीश कुमार जी के पास भी जाकर के उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की, चंद्रबाबू नायडू के से भी मिले, वो चिराग पासवान जी से भी मिले और दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको मिलकर के, क्योंकि ये जो सरकार है 240 ही इनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ये सरकार जो है इनकी बैसाखी पे चल रही है, और दूसरी जो पार्टी जो NDA के साथ इनके साथ है वो सेक्युलर पार्टी कही जाती है, तो उनपे जो एक अच्छा प्रेशर बनाने का जो काम जो कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से इस बात को समाज ने पूरे हिंदुस्तान में उठाया है, उम्मीद है, पूरा यकीन भरोसा है कि बिल्कुल मंजूर नहीं करवा पाएंगे। अच्छा, दूसरा गुजरात सरकार, चूंकि जो पार्लियामेंट में बिल लाया गया वो जेपीसी के पास भेज दिया गया है, लेकिन इसी बीच गुजरात सरकार ने उसी बिल से जुड़े हुए बिंदु को यहाँ पर लागू कर दिया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर 3 सदस्य हुआ करते थे, उसमें एक ये कहा गया था कि एक सदस्य जो होगा वो इस्लामिक जानकार होगा, इस्लामिक मामलों का जानकार होगा, लेकिन गुजरात सरकार ने इस्लामिक मामलों के जानकार वाली जो ट्रिब्यूनल के मेंबर की पोस्ट थी उसी को रद्द कर दिया है। अभी बिल पार्लियामेंट में मंजूर भी नहीं हुआ है, अभी बिल को तो जेपीसी के सामने भेजा गया, लेकिन इसके अंदर जो अंदरूनी मामला जो था कि जिस तरीके से तीसरे जज की इन्होंने जो नियुक्ति की थी, तो उनके सामने नामदार हाईकोर्ट में कुछ NGO और कुछ मुतवल्ली जो है वो उस बात को लेकर के गए थे कि जिस जज को आप लोगों ने रखा है उनके सामने क्रिमिनल केसेस है, और उसके ऊपर उस बात को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार भी लगाई थी और सुओ मोटो उस केस को तो चलाने की बात भी की थी, तो उसको तो अपनी फजीहती से बचने के लिए कि अपनी उनको लगे कि सरकार ने इसमें गलती नहीं की है इनको रखने में, तो आनंद बानंद में उन्होंने इस तरीके से बहाना बना करके अपनी गलती को छुपाने के लिए और हाईकोर्ट की जो फटकार है उसे बचने के लिए उन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। बाकी अभी तो जब वो बिल पार्लियामेंट में अभी मंजूर ही नहीं हुआ है, वो बिल तो अभी जेपीसी के पास है, तो उस बिल के ऊपर उसको अमल करने की कोई बात पैदा होती ही नहीं, लेकिन ये सरकार जिस तरीके से जानते हैं कि सरकार हर तरीके से इनको वक्त की प्रॉपर्टीज को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कभी एक मुस्लिम समाज के हितैषी हो नहीं सकते, ये हमेशा जब भी कोई बात करते हैं हमदर्दी की जब कभी बात बताते हैं तो उसके पीछे जो इनका जहर है, जो इनकी मुखालफत है, जो इनका हमारे लिए विरोध है, वो बिल्कुल उसमें बना रहता है। लेकिन इस मरतबा जिस ढंग से और जिस तरीके से जो उलमाए इकराम की भी मेहनत थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज ने एक तरफा मतदान किया,
और 65-70% से ज्यादा मतदान किया। हम पॉलिटिकल तरीके से हम लोग बिल्कुल आइसोलेट हो चुके थे, हम लोग बिल्कुल समझ लो कि हमारी अहमियत खत्म हो गई थी, लेकिन एक तरफा मतदान करने से और हमारे मतदान के साथ साथ जब सेक्टर हिंदू भाइयों को और गरीब पंचायतों का वोट मिला, तो इस सरकार को जो 400 की बात कर रही थी वो सरकार 240 पे आकर के पूरी होगी और एनडीए जो 292 तक, तो आज उसी का नतीजा नहीं। तो आज अगर ये मुस्लिम समाज ने अगर अपनी बेदारी नहीं बताई होती, जो कोशिश मेहनत जो उलमा इकराम ने और हमारे एनजीओ ने नहीं की होती, और हमने आज पूरे हिंदुस्तान में 65-70% लगा मतदान नहीं किया होगा, तो मैं मानता हूँ कि ये बिल जो है अगर ये सरकार जो 292 लेके आई होती तो ये बिल सुबह पेश करते, दोपहर में इसको मंजूर करा लेते। लेकिन आज जो कुछ हुआ है इसे आज बहुत अच्छी बात दूसरे जो हमारे साथी उन्होंने भी की कि 5 साल का हमारे पास मौका है, ये वक्त है हमारी गलतियों को सुधारने का। ये तो बहुत बड़ा जो समझो कि अल्लाह का एहसान हो गया और हिंदुस्तानी जो हमारे अवाम है उसके नसीब अच्छे थे कि ये सरकार बैसाखियों पर चली गई, नहीं तो ये ऐसे जो कानून थे कानूनों को तो एक दिन में वो मंजूर कर सकते थे। लेकिन पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि जेपीसी से भी ये बिल को क्लियर नहीं करवा पाएंगे, और अब तो जब इनके साथी पक्ष हैं उन्होंने ही खुल करके बात को कर दिया है, और मुस्लिम पर्सनल लोग और दीगर जमातें बहुत ज़बरदस्त कोशिश मेहनतें भी कर रही है, जनजागृति अभियान भी चला रही है, और तमाम पोलिटिकल पार्टी के लोगों को मिलकर के अपनी बात को समझा रही है, और हमको पूरा भरोसा और पूरा यकीन भी है कि जो 40 हमारे सांसद है वो भी इस पर खुल करके आगे भी अपनी मुहिम को और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। यासुद्दीन साहब, जिस तरीके से एक सोशल मीडिया में मैसेज चलाया गया कि भाई एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अच्छा कार्यक्रम गुजरात टुडे की तरफ से इनिशिएट लेकर ये किया गया, लेकिन जो जागृति की आप बात कर रहे हैं मुसलमानों में, जिस तरीके से सोशल मीडिया में और वैसे हमेशा बयानबाजी खूब हो जाती है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर वक्फ को लेकर, लेकिन जब मौका आता है जुटने का, अपनी अपनी राय देने का, तब कोई लोग पहुंचते नहीं है, ये जागरूकता नहीं है मुसलमानों में। ये बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है, बहुत कमनसीबी की बात है कि इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा जो लोगों से जो जुड़ी हुई बात है, और उसमें भी अगर समाज बेदारी नहीं बताता है, तो मैं मानता हूँ कि बहुत हमारी कमनसीबी है। हम लोगों ने जिस तरीके से इस मरतबा चुनाव में, हम लोग आनंद फान में जब कोई मसला पैदा होता है उस वक्त में कभी कोई मामला के क्षणिक, तो उसके लिए 2 दिन के लिए 5 दिन के लिए हमारे अंदर जागरूकता पैदा होती है। जैसे इस वक्त के इलेक्शन के अंदर सब मेहनत हुई, कोशिश हुई, तो लोग कुछ जागरूक भी हुए, और उसके पीछे से मेहनत भी, हम खुद जानते हैं कि गुजरात में कभी भी 45% से ज़्यादा मुस्लिम समाज का मतदान नहीं होता था, लेकिन इस मरतबा पार्लियामेंट के चुनाव में 65% के आसपास मतदान किया। ठीक है, गुजरात में हम एक सीट जो थी सेक्युलर पार्टी जीत पाई, लेकिन हिंदुस्तान भर में जो उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, जहाँ मुसलमान समाज ने 65-70% मतदान किया, गरीब 50% मिले, उसका फायदा भी मिला। तो जन जागृति हमारी कभी भी होती है तो बहुत ही सुलभ, यानी बहुत कम वक्त के लिए, कम बातों के लिए, और कभी कभी तो ऐसी जो सिर्फ सोशल मीडिया में जो बकवास, जो बेकार की जो बातें चलती है उसमें बताते हैं, लेकिन इतनी संजीदगी समाज में नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, समाज को संजीदा होना पड़ेगा, और आज इसी कार्यक्रम के माध्यम से इसीलिए हमने सजेशन भी रखा कि समाज के अंदर बेदारी लाने के लिए और हमारे सामने हो रहे नाइंसाफी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमको 33 जिलों के अंदर हमारी लीगल टीम भी बनानी चाहिए। 33 जिलों के अंदर जितने भी एनजीओ हैं, चाहे वो स्कूल चलाने वाले हो, एजुकेशन का काम करते हो, चाहे वो हॉस्पिटल चलाने वाले लोग हो, या दीगर जो लोग लड़ाई लड़ते हैं हेल्थ के काम, ये तमाम लोगों को मिलकर के एक संयुक्त तरीके से एक संगठन 33 जिलों में बनना चाहिए, जो मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे और एक जन जागृति पैदा करते हुए ये जो मजदूरों की जो लड़ाई है उसको आगे हमको बढ़ाना चाहिए। आखिरी सवाल का सुदीन भाई, आपने कहा जन जागृति का, इस वक्त जो है वो मतदार यादि का जो सुधारा वधारा जो नाम चेंजी सब चल रहा है, मुसलमान जो है वो बहुत देर से जागते हैं, जब इलेक्शन का वक्त आता है तब उनको पता चलता है कि उनका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, या उनका नाम गड़बड़ है, आधार कार्ड से अलग है, तो ऐसे जब चलते हैं नाम सुधारने की चीज़ें चलती है, तो उसको लेकर भी क्या आवाम को जागरूक करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अवाम को जागरूक करने के लिए मैंने हमारे जो वर्तमान धारा सभी इमरान खेड़ावाला जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश सिंह, जो बरसों से इसके अंदर काम करते हैं, हम लोगों ने लोगों के मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई 20 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक घर घर ये जो है मतदार यादि के अंदर नाम को जोड़ने का एक अभियान शुरू है। ऐसे वक्त में हम लोग हमारे जो नाम है उसके अंदर हम लोग जुड़वाए हमारे नामों को, हम उसमें, क्योंकि आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सियासी तरीके से हमको अलग थलग करने की एक जो कोशिश थी, और उसका नतीजा ये था कि हमारी पॉलिटिकली अहमियत जो थी फांसीवादी परिवर्तन थे, भारतीय जनता पार्टी और उनकी भगीनी संस्थाओं ने हमारी खत्म कर दी थी। जो 80-20 का राजनीति जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर चलाई,
ऐसा कर दिया था कि एक मरतबा ऐसा था कि 150 सीटें ऐसी थी जो हमारे बगैर नहीं आ पाती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि हमारे से यानी कोई मामला जो हमारी बिखराव की वजह से मामला बनता नहीं था, लेकिन इस मरतबा सज्जाद दोमानी साहब के सही तमाम तंजीमों ने, तमाम उलमा इकराम ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने जो कोशिश जद्दोजहद मेहनत की, तो हम लोगों ने 65% से ज्यादा मतदान किया, तो उसी का नतीजा है कि सरकार बैसाखी पे आ गई और आज इस सरकार को ये बिल को जो है, जो वक्फ बिल को जो है जेपीसी के सामने ले जाना पड़ा और उम्मीद है कि उसको मंजूर नहीं करा पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से इतनी ताकत पॉलिटिकली हमने बताई, तो आज अगर हम लोग हमारे मतदार यादी में नामों को जुड़वाते हैं और अच्छे तरीके से हम लोग हमारे जितने भी लोगों के नाम रह गए जो 18 साल के जो हो गए या जिन्होंने अपने घर बदले, तो उनके नामों को भी अगर इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत अच्छी ताकत मिलेगी, क्योंकि सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर तुम्हारी अहमियत तुम्हारे वोटों से होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तुम्हारे सरों को गिना जाता है। तो जब इतना अच्छा नतीजा हमको मिला कि जब हमने एक तरफा हर जगह पर जहाँ जो सेक्युलर पार्टी जीत सकती थी, किसी एक पार्टी के लिए जहाँ जो जीत सकता था उसको मुस्लिम समाज ने 65-70% हमारे गरीब 75 के साथ मिलकर वोट दिया, उसी का नतीजा है कि आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो एनडीए की सरकार हो गई और बैसाखियों पर चलने लगी है। तो आने वाले वक्त में भी जब हमारे पे इतना बड़ा जो कुदरत ने कर्म कर दिया कि आज सरकार बैसाखी पे गई और इसको हमेशा बैसाखी पे रखना और उसको दूर करना है, तो हमको हमारी वोट की ताकत को बढ़ाना पड़ेगा और हमारी मतदार यादी में जो मुहिम चल रही है उसमें हमारे नाम को जोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।